सर्दियों के मौसम में बड़े मजेदार से मिक्स वेजिटेबल चिकन के कबाब हमने बनाए, किस तरह से बनाए गए किचन क्लोजर में देखिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहले तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ, देखिये कितने क्रिस्पी क्रंची मजेदार से कबाब है, और ये देखिए अंदर से कितने मजेदार से बने। जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करें, बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड मिक्स वेजिटेबल के कबाब बनाएंगे, बड़े मजेदार से बनते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन लिया था, हाफ के जी बोनलेस चिकन लेना है, और इसके साथ साथ दो अदद मैंने इस साइज के आलू लिए। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लेने के बाद पील ऑफ कर लिया था। अब हम इसकी इस तरह करके क्यूब्स में कटिंग कर लेते हैं। एक कप ताजे ताजे से मटर आए थे, आलू चिकन मटर ये सारी चीजें पानी में डालकर हमने इसको क्या करना होगा, अच्छे से उबालना है। जल्दी से मैंने 1 कप मटर लिए, उनको पील ऑफ कर लेती हूँ। चलिए मटर डाल देने के बाद अब हमने इसको चूल्हे पे रख दिया नमक डालकर। अब इसको हमने उबलने के लिए छोड़ दिया कि अच्छे से हमारी चिकन आलू मटर सारी सब्जियां अच्छे से गल जाए। ये देखिए सारी सब्जियां हमारी अच्छे से उबल गई हैं। अब मैंने क्या कहता है, एक स्ट्रेनर में डाल के इसका जितना भी पानी था उसको डिस्कार्ड कर देता। अब एक मैशर की मदद से हमने इसको मैश कर लेना। चीजों को अच्छे से मैश कर लेने के बाद एक छोटे से साइज की गाजर ली थी, पील ऑफ कर लेने के बाद से ग्रेटर की मदद से हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया था, वो इसके अंदर डाल देंगे। अब हरा धनिया मैंने लिया, ये देखिए इसकी बारीक बारीक सी टहनियां थी, वो भी इसके अंदर डालेंगे ताकि इससे इसका मजा और खुशबू दोबारा हो जाए। इसके साथ साथ एक अदद हरी मिर्च ली थी, वो भी इसके अंदर हम काट के डाल देंगे। टीस्पून इसके अंदर जीरा डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक इसके अंदर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था तो थोड़ा एहतियात से डालिएगा। 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे। अब इन सब चीजों को अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लेते हैं। जी बैटर तो हमारा तैयार हो चुका है, अब हमने इसकी टिक्कियां बना लेनी है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी शेप्स बना सकते हैं, या तो आप इसके इस तरह करके बॉल्स बना लें, या तो इसकी ओवल इस तरह करके शेप दे दें, या फिर आप इसके इस तरह करके टिक्कियां बना लें कबाब की शेप दे। कबाब की जो हमने टिक्कियां बना ली, अब मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, कॉर्नफ्लोर पे इसको हमने अच्छे से ये देखें कोट कर लेना इस तरह करके, ये देखिए इस तरह करके सारी टिक्कियों को कॉर्नफ्लोर में कोट। फ्राई पैन में हमने तेल डाल दिया, तेल लेकिन गर्म हो गया। अब इसको हमने जल्दी से इसको फटाफट से फ्राई कर लेना है, मीडियम टू हाई हीट पे इसको फ्राई करेंगे। इसकी एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो इसकी साइड को हमने इस तरह करके टर्न कर देना है। देखिए क्या शानदार से कबाब हमारे रेडी हो रहे हैं। आप बताइएगा आपकी कौन कौन सी सिटी में सर्दी खूब सारी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, और आप लोग सर्दी को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये देखिए क्या जबरदस्त से हमारे मिक्स वेजिटेबल चिकन कबाब खाने के लिए तैयार हो चुके हैं, कितने अच्छे क्रिस्पी क्रंची से बने, और कलर आप देखिए कितना खूबसूरत सा है। चले अब हम इसको निकाल लेते हैं। मजेदार किस्म के हमारे चिकन मिक्स वेजिटेबल कबाब खाने के लिए तैयार है, जल्दी जल्दी से इसको एंजॉय करें अपने किचन में, फिर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें। फ्री में एंजॉय करने के लिए इजाजत चाहूंगा, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह।